नमस्कार दोस्तों एनके रेलवे साइको क्लासेज जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस ऑनलाइन इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोहित कुमार मिश्रा जी जो कि एनके रेलवे साइको क्लासेज जयपुर के स्टूडेंट रहे हैं और ये डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से हैं और अभी एम डी जेट टी आई धारबाड़ में जो है स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इनका साइको टेस्ट और एनके साइको क्लासेस के बारे में जो अनुभव रहा है वो हमारे साथ साझा करेंगे ताकि आगे आने वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी सही तरीके से साइको टेस्ट के बारे में सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें तो बिना किसी देरी के चलते हैं रोहित कुमार मिश्रा जी के पास और इनसे बातचीत करते हैं रोहित जी सबसे पहले एन साइको क्लासेज जयपुर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं स्टेशन मास्टर के रूप में भारतीय रेलवे में सुशोभित होने के लिए रोहित जी आप अपना दें थोड़ा सा मेरा नाम रोहित कुमार मिश्रा है मैं बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूं मेरा आरआरबी भर्ती संख्या जीरो वन दो के तहत आरआरबी बेंगलोर में स्टेशन मास्टर के पद पे हुआ है मेरा डिवीजन हुबली डिवीजन है और मेरा ट्रेनिंग धारवाड़ एम डी जे टी आई में चल रहा है जी रोहित जी एक आप जो है बिहार से हैं और एन के साइको जयपुर में है तो थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है आपने विश्वास किया किस तरीके से आप एन के साइको क्लासेस से जुड़े तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि एन के साइको क्लासेज को ही आपने साइको टेस्ट के लिए क्यों चुना देखिए मैं इस जॉब से पहले एनडब्ल्यूआर में ट्रैकमैन के पद पे था जी तो वहा जिस स्टेशन पे मैं ड्यूटी करता था वहाँ के हमारे जो स्टेशन मास्टर थे पहले के जी उन्होंने इस क्लास के बारे में मुझे बताया और फिर मेरे दोस्त भी जो थे वहाँ पे जिनका जी, भी सिलेक्शन हुआ था एन टीबी में जी, उन्होंने मुझे बताया फिर मैंने आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पे देखी जी फिर आपका ऐप डाउनलोड किया वहाँ से देखा तो मुझे थोड़ा जो आपका एक तरीका था पढ़ाने का मुझे बहुत अट्रैक्ट किया तो फिर सोचना क्या है जब अच्छा लगा तो हमने आप क्लास को ज्वाइन किया आपका कोर्स परचेज किया फिर उसका परिणाम अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल किया तो था लेकिन आपने इतनी ज़्यादा रिसर्च की रोजी आपने आपके स्टेशन पे स्टेशन मास्टर थे वो भी लगे हुए थे तो उनसे पूछा दोस्तों से भी पूछा उसके बाद फिर आपने वीडियो भी देखा फिर सब कुछ पूरा सोच समझ के डिसीजन लिया मतलब पूरी रिसर्च करके तो लिया था चलो कोई नहीं अच्छा रहा वो आपके लिए भी और आपने हमारे प्रति इतना विश्वास दिखाया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और रोहित जी एक आपने जो कोर्स लिया था वो ऑनलाइन लिया था या ऑफलाइन लिया था ऑनलाइन लिए थे सर अच्छा ऑनलाइन लिए थे तो ऑनलाइन कोर्स में जो पढ़ाने का तरीका है या फिर जैसे आपके डाउट्स हैं या रूल रेगुलेशन साइको टेस्ट से संबंधित मेन फैक्टर होता है कि सही रूल रेगुलेशन क्या हैं ताकि आप सही दिशा में वर्क कर सकें और किस तरीके से उसको करें कि आप कम से कम टाइम में जो है सभी टेस्टों को सॉल्व कर सकें तो वो एक अहम पार्ट होता है साइको टेस्ट को क्रैक करने के लिए तो उससे संबंधित क्लास के अंदर कोई डाउट आपका रहा हो जो क्योंकि आप ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट थे आपको कुछ ऐसा लगा कि ऑनलाइन में ऐसा आपके साथ मतलब नहीं हो पाया कुछ कमी रह गई ऐसा कुछ लगा आपको नहीं सर बल्कि मुझे और अच्छा लगा ऑनलाइन पढ़ के पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जब मैं क्लास लेता था तो जैसे ऑफलाइन अगर जाते हैं तो उनके लिए है जो पूरा टाइम फ्री है हम तो ऑलरेडी जॉब करते थे जी तो हमारे लिए तो बेस्ट ऑप्शन यही था ऑनलाइन ही पढ़ना लेकिन आपका जो पढ़ाने का तरीका है उसमें थोड़ा भी कोई ऐसा इशू नहीं है कि जो ऑफलाइन है वो ज्यादा समझ में आएगी ऑनलाइन वाले कम आएगी अब मुझे तो ये लगता है ऑनलाइन ही ज्यादा बेटर हमें लगा था ऑफलाइन क्योंकि मैंने और भी क्लासेस जैसे साइको की नहीं बट और क्लासेस की है ऑफलाइन में तो ऐसा कोई इशू नहीं लगा कि ऑनलाइन में दिक्कत है ऑफलाइन में दिक्कत उनको होगी जो शायद कोई अच्छे फैकल्टी के पास ना गए हों ठीक है ना आपके क्लास में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा एकदम बढ़िया सब कुछ समझ में आता था और खासकर जो आपका जो पर्सनालिटी का पढ़ाने का तरीका वो मुझे बहुत लाजवाब लगा जी मेनली कोशिश यही रहती है कि चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो क्लास तो सेम लाइव होती थी लेकिन हमारा कोशिश तो यही रहती है कि स्टूडेंट के मन में कोई डाउट ही ना बचे मतलब कि वो पूछ उसके मन में कोई डाउट ही नहीं होगी वो कुछ पूछ सके तो हम पहले ही ऑलरेडी इतना बता के चलते हैं एक ये बताएं रोहित जी की, Railway, कि की रेलवे तो आपके ऊपर पूरा विश्वास था आपने क्योंकि एक होते हैं टीचर तो केवल पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं आप जितनी भी साइको के एग्जाम को लेके जितनी भी लोगों के मन में डाउट होती है उसको बाकायदा पहले ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे हर चीज जी तो आप पे एक अटूट भरोसा हो गया था आपके क्लास पे फिर जब हम एग्जाम देने गए तब जाके मतलब अपने जो दोस्त दोस्त वगैरह या फिर और भी लड़के थे जी उनकी प्रतिक्रिया देखी तो उनको वो इस चीज से अनभिज्ञ थे पैटर्न से जी उन्होंने और भी कहीं कहीं से अपनी तैयारी की थी जी इस साइको की बहुत सारे टीचर आज के डेट में अवेलेबल है बिल्कुल बिल्कुल तो उन्होंने की थी लेकिन उनका जो तरीका था पैटर्न था वो शायद गलत था क्योंकि हम लोग जो किए थे एकदम हुआ हु सेम पैटर्न एग्जाम में भी वही था आपका जो मॉक टेस्ट का पैटर्न था एकदम एग्जैक्ट और आपने ऑलरेडी टाइमिंग के लिए भी लेके बोल रखा था तो ऐसा कोई इशू हुआ ही नहीं ना टाइमिंग को लेके इशू हुआ न ही जी, जाए, जी, पैटर्न को लेके कोई दिक्कत हुआ जी रोहित जी वो चीज़ें तो पहले भी है कि अगर क्योंकि आर डी एस ओ कभी भी कोई भी पैटर्न चेंज कर देता है और कभी भी टाइमिंग घटा देता है तो ये अगर आपने उसको कम से कम टाइम में निकालने का अभ्यास अगर आपने कर रखा है तो आपको कहीं एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी अगर उस तरीके से आप अभ्यस्त हों तो और वही आपको सिखाया गया था सारे रूल रेगुलेशन आपके क्लास में क्लियर हो गए थे जैसा कि आप बता भी रहे हैं एक थोड़ा सा फैकल्टी के बारे में पढ़ाने के तरीका आपको कैसा लगा थोड़ा सा एक दो लाइन में कुछ कहना चाहें सर अब देखिए अगर पहले तो मैं आपके बारे में कुछ ऐसा कहूँ उतनी तो अभी मेरे अंदर नहीं है नॉलेज लेकिन इतना जानता हूं कि जो आपका तरीका बहुत है बहुत लाजवाब है सर मतलब एक होता है कि पढ़ रहे हैं मजबूरी में है, पढ़ रहे हैं जी. लेकिन आपकी क्लास जो करते थे वो इंटरेस्ट के साथ

वो पूरा किया है तो आप जानते हैं रेलवे के बारे में भी तो आप एज ए स्टेशन मास्टर ट्रेनिंग कर रहे हैं जैसा कि आपने बताया धारबाड़ एम में तो अभी आपको कैसा अनुभव कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल ग्रुप डी से स्टेशन मास्टर तक पहुंचना और वो भी ओपन आरआरबी के थ्रू तो वैसे तो बहुत बड़ी बात है ड्यूटी करते हुए भी आपने सी बी टी वन टू आज के टाइम में कंपटीशन इतना है तो कितना ड्यूटी के साथ साथ आपने कितनी मेहनत की होगी ये सभी लोग जानते हैं क्योंकि नॉर्मल वे में लोग भाग बिल्कुल पढ़ाई पे समर्पित रह के ही रहते हैं तो काफ़ी लोगों का सलेक्शन नहीं निकल पाता लेकिन फिर भी आपने जॉब के साथ में इतना सामंजस्य बैठाते हुए आप यहाँ तक पहुँचे तो वो काबिल तारीफ़ है और आप स्टेशन मास्टर अब बन चुके हैं और वर्दी में हैं तो आप अभी आप कैसा अनुभव कर रहे हैं थोड़ा सा बताएँ देखिए सर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन क्या थी कि जॉब तो मिली थी जी. और आरआरबी ग्रुप डी शायद आप भी बेहतर तरीके से आते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी में ट्रैकमेन का क्या काम है बिल्कुल, कैसा वर्किंग है बिल्कुल तो उस काम से कभी अपने आप को संतुष्टि नहीं हो भाई कि मतलब ये लगता था कि इस काम के लिए नहीं बने और ऊपर से वो जो होता है ना कि अगर किसी की लाइफ में आराम मिल जाए तो फिर शायद वो आगे के बारे में नहीं सोचते बिल्कुल तो हमारा काम ऐसा था कि हर दिन हमें प्रेरित करता था आगे के लिए नहीं पढ़ना तो पड़ेगा बिना पढ़े कोई उपाय है नहीं निकलने का यहाँ से बिल्कुल ऊपर से चाहे और एक चीज फायदा था कि अब डिपार्टमेंटल जीडीसी थी उसमें भी है कि आरआरबी में भी जो ट्रैकमेन की पोस्ट है उनके साथ भी कुछ भेदभाव है उनको एलडीसी डी सी नहीं मिलता तो एक उम्मीद थी जीडीसी और उसमें सुनते थे, थे कि सारे जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सारे एग्जाम देते हैं जीडीसी डी सी में जी, और ये एन टी ऑप्शन हमारे पास दो ही बचा था फिलहाल क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की भी कोई वैकेंसी दिख नहीं रही थी जी, और एस एस लाइक इंग्लिश वगैरह की तैयारी अच्छी है नहीं जी, तो फिर काम जितना मेहनत उधर करवाते थे सर लोग काम उतना ही इधर मिलती थी पढ़ने के लिए तो उस समय फिर ये थकान वकान वैसा कुछ महसूस उतना होता नहीं था क्योंकि बस अंदर से एक था कि यहाँ से निकलना है इस काम से निकलना इस काम से प्रेम हुआ ही नहीं जो काम हम करते थे ग्रुप डी में जी, बस और फिर अच्छी गाइडेंस मिली आप लोगों की तो फिर ये सब संभव हुआ बिना आप लोगों के गाइडेंस के मेहनत से केवल संभव नहीं था ये सब चीज जी, जी रोहित जी आपकी कहानी से ये ट्रैकमैन से और एक स्टेशन मास्टर बनने तक का सफ़र उसके पीछे जैसा कि आपने बताया कि वही एक आग आग थी कि मुझे कुछ आगे करना है क्योंकि ड्यूटी करते हुए साथ में एन ओपन आर से फाइट करना आज की डेट में ऐसेम बनना क्योंकि कितनी कट ऑफ आई गई है वो आपको भी पता है तो इतना आसान नहीं था बस वो आपकी आग थी भीतर की मुझे कुछ करना है तो कहते हैं न कि बहुत से लोग आग बहाने बनाते हैं आपने दस दस बारह बारह घंटे जॉब करते हुए भी आप वहाँ तक पहुँचे तो ये इतना तारीफ है और इतना आसान नहीं है तो अगर आग हो मन में तो सब कुछ संभव है आपकी कहानी दर्शाती है जी। थोड़ा सा रोहित जी एक चीज़ और कि आगे जो भी स्टूडेंट रेलवे साइको टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं चाहे वो ए एल पी टेस्ट हो चाहे एस एम टेस्ट हो चाहे डी साइको को टेस्ट हो तो उनके लिए आप थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे कि वो

और सबसे बड़ी बात है इसमें स्पीड क्योंकि सॉल्व तो लगभग लग लोग कर लेते हैं स्पीड मेंटेन करना इसमें थोड़ा यही कठिन है तो आप मॉक ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे जितना उतना आपका स्पीड मेंटेन भी होगा और ऊपर से एक अच्छी फैकल्टी की जरूरत है क्योंकि हो सकता है आप नॉलेजेबल है लेकिन अच्छी आपको गाइडेंस नहीं मिलती अच्छे कोई टीचर नहीं मिलते तो हो सकता आपका मेहनत बेकार भी चला जाए तो मैं यही कहूंगा कि अच्छे फैकल्टी जैसे कि आप एनके को ज्वाइन करें और ज्यादा ज्यादा मॉक लगा और ऊपर जो सर आपका पैटर्न है वो एकदम है तो इसमें तो कोई दोरा है ही नहीं की यहाँ के बच्चे कभी फेल ऐसा तो होना संभव हमें नहीं लगता है बाकी अगर ऐसा हो तो एक्सेप्शन ही होगा जी। और ज्यादा ज्यादा मॉक की तैयारी करे टेस्ट दे बस इससे ज्यादा कुछ तो और इसमें नहीं कह सकता जी आपके अकॉर्डिंग यही है कि एक स्टूडेंट जो साइको की तैयारी करना चाहता है तो ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले तो उसके पास सही गाइडेंस हो अच्छे yes. दिशा निर्देश में वो कार्य करे सही कंटेंट के साथ प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाए समर्पित तो भाव से तैयारी करें रूल yes. रेगुलेशन को yes. अच्छी तरह से जाने और ऐसी ट्रिक वगैरह जो है यूज करें जो कि उसको टाइम को घटाने में कम से कम टाइम में करवाने में उसको कैपेबल बनाए तो यही yes. आप आपके अनुसार सफलता का राज है जैसा कि आपने बताया मैंने मेरे शब्दों में बताया और अंत में आप एनके रेलवे साइको क्लासेज और फैकल्टी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे या आपके विचार जो भी कुछ आप कहना चाहें पहले तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे आपके जितनी फैकल्टी है और सबसे ज्यादा आपको बिना आपके इस मतलब क्लास के शायद पता नहीं अब क्या होता ये तो मैं नहीं जानता जी लेकिन मुझे यहां तक पहुंचने में आपके क्लास और आपके जो

बन गए हैं ऐसे एक मेडिकल में उनको प्रॉब्लम हो गई सर अच्छा अच्छा उनका ए मेडिकल नहीं था सर जी जी तो इस कारण वो बाहर हो तो रोहित जी आपका इस इंटरव्यू में एक तो आपने टाइम दिया वो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपने चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया कि मुझे लगता है कि स्टूडेंट के लिए भी अगर जो भी इंटरव्यू देखेगा दे बाद में तो वो अच्छी तरह से इससे कुछ सीख पाएगा कि वो साइको टेस्ट को किस तरीके से हैंडल करे और आपकी जो कहानी है उससे भी कुछ प्रेरणा लेगा तो वो भी काफ़ी कुछ प्रेरणा देती है तो आपने इस इंटरव्यू के लिए अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एन के साइगो क्लासेज की तरफ से आपको एस बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ और एक ट्रैकमैन से और एक स्टेशन मास्टर तक के सफ़र में आप पहुँचें तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपका जो संघर्ष है ये बहुत कठिन रहा है क्योंकि इतना आसान नहीं होता वहाँ से यहाँ तक आना तो वो बाग काबिल तारीफ़ है वाकई में आपने जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप ऐसेम बने और आप जो है इसी तरीके से आगे तरक्की करते रहें और आगे अगर आपके दिशा निर्देश की हमें आवश्यकता पड़ेगी तो आपसे फिर मुलाकात होगी और आपसे यही उम्मीद है कि आप आगे भी इसी तरीके से जो है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए जो है अपना थोड़ा सा समय निकालेंगे और मोटिवेट करते रहेंगे ताकि आपसे वो प्रेरणा लें और आगे जो है वो गाइडेंस प्रदान करते रहें तो इस इंटरव्यू को यहीं पे एंड करते हैं रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुभकामनाएं